हरिओम। आज आपको मेडिटेशन समाधि की तरफ ले जाने का दिल कर रहा है। गाइडेड मेडिटेशन, ना कि सिर्फ आंखें बंद करके बिठा देना, श्वासों को देखने वाला मेडिटेशन नहीं, जिसमें आप आंखें बंद किए हो लेकिन जागते जा रहे हो। विद द गाइडेड मेडिटेशन ये जगत विनाश है, ये जगत विनाशकारी है। हमने अविनाशी से प्यार करना था, सबको ही हमने ये सबक देना था कि ये जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, और सिर्फ मोह निकालकर प्यार सेवा करना था। अभी हम ब्रुक्टी में आईब्रोज के बीच में, जो मैं रोज करती हूँ, मैं एक आत्मा इस शरीर से दूर, अति दूर ब्रुक्टी के अंदर से अपने परम पिता परमेश्वर, जहाँ मेरे सद्गुरुदेव बैठे हैं, मैं उस गुरुदेव धाम में जा रही हूँ। रास्ते में चांद सितारे हैं, उन सब चांद सितारों को लांग कर इस दुनिया से पार, अति दूर ये आत्मा उधर पहुंची है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है। और ये एक पावरफुल पावर हाउस है। दुनिया की किसी भी नॉलेज से दूर नहीं रखा है, दुनिया के रिश्तों के सबके अनुभव करवाकर उन्होंने मुझे भरपूर कर दिया है और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करा दिया है। ये मेडिटेशन धीरे धीरे आप अपनी आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा में अगर बैठे हैं, सोए नहीं, सो रहे हैं, तो फिर आप तमोगुनी है, आप सतोगुनी खाना नहीं खाते हैं। ये जगत विनाशकारी है, अविनाशी परमात्मा से हमने प्यार करना है, मोह निकाल कर प्यार की तरफ ले जाना है और अपनी आत्मा में टिकना है। आत्मा के लक्षण क्या है? नम्रता, प्यार, मधुरभाषी, मधुर वाणी, ये सब चीजें मेरे आत्म लक्षण में आती है। आई मे डाई यू मे लिव, आई मे डाई मैं मरूं तुम जियो, सब कर्म प्राणी है, उसकी जगह पर हम कर्ज और फर्ज ना बोलकर हम उन सब देवताओं की सेवा प्यार में करने के लिए आए हैं। इस परम पिता परमेश्वर के धाम में मेरे शरीर, पूरे शरीर को, के हर अंग अंग को वो प्योर बनाते जा रहे हैं। मेरे पूरे शरीर के हर अंग अंग को प्योर 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 बनाते जा रहे हैं। अपनी उन किरणों से, दूसरों पर भी बरसाने की इजाजत देते हैं। बहुत पॉजिटिव बना दिया है, कहीं भी किंचित मात्र अगर थोड़ी सी ढील होती है तो वो संभाल लेते हैं। कहीं से भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आने देते हैं,
वो अपनी शक्तियों से भरपूर कर देते हैं। गुरुदेव की भरपूर शक्तियां हैं जो हमारे में भर देते हैं। हमारे अंदर गुरुदेव बताते हैं 100 सूर्यों के बराबर रोशनी है। शरीर पूरी तरह से निरोगी काया हो गया है उनकी किरणों से, उनके आशीर्वाद से। रिश्ते सब मधुर बना दिए हैं। जिन रिश्तों में दरारें पड़ी थी वो भी मधुर बन गए हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम को घर से ही, नेबरहुड से, घर से, सिटी से, शहर से, यूनिवर्स से, पूरी आत्मा से जुड़ा दिया है। अब मैं एक आत्मा पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में एक ही धागे में पिरोए हुए मोतियों की तरह दिखा दिया है। सबको क्षमा करने की तरकीब सिखा दी है। सभी को माफ करने की तरकीब, क्षमा करने की तरकीब, माफी लेने की तरकीब सिखा दी है। रोज रात को सोते समय पूरा दिन में जो भी मैंने गलत किया था उससे माफियां लेकर मैं मृत्यु शैया पर जा रही हूँ और वहां से सुबह फिर उनके आशीर्वाद से लेकर फिर ब्रुक्टी जो है वो सेंटर ऑफ द फोरहेड है, ब्रुक्टी बिटवीन आईब्रोज में सेंटर ऑफ द फोरहेड से बाहर आ गई हूँ। मैं एक आत्मा परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित हो चुकी हूँ। उन्होंने मुझे अपना लिया है। ऐसे योग से जुड़ा हुआ ये शरीर जब वापिस आता है, गुरुदेव की किरणों से वापिस आता है, चार्ज करके जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ये शरीर चार्ज होकर फिर सेवा प्यार में लग जाता है। ये मेडिटेशन, इसको गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, जिससे हमको नींद ना आए, जिससे हम जागे रहें। रात का मेडिटेशन अलग होता है, ये आप दिन में कहीं कभी भी कर सकते हो। मेरा पूरा शरीर अंग अंग किरणों से, वाइब्रेशन से चार्ज चार्ज चार्ज, 100% चार्जिंग उतारते हो ना आप अपने प्लग को दूर करते हो, उससे ये चार्ज होके आता है और उनसे लिया हुआ प्रकाश पूरी दिन में जो जो सामने आ जाता है उसको ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आत्मा की शक्ति, आत्मकार के गुणों को लेकर वो एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल हाउस बनके चार्ज होकर अपने परिवार में, सेवा में और प्यार में लग जाता है। चाहे आप इसको सुबह में सुने जैसे रोज सुन रहे हैं, आप ऊर्जामय बन जाओगे। उसके साथ पूरा दिन की सेवा है सामने, प्यार है सामने, सबको करना है, उससे भी हमें फायदा मिल जाता है। ऐसा करते 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 हम खुशहाली से पूरा दिन चल सकते हैं। हरिओम।